आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हरियाली केले की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस हरियाली केले की सब्जी को हम बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट काफी अमेजिंग होगा। चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस केले की सब्जी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कच्चे केले लिए हैं और केले का छिलका निकालने के बाद उसको पहले इस तरह से लंबाई में कट कर लेना है और फिर एक इस तरह से स्लिट लगा के केले के इस साइज के टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और इसके साथ जो भी चीजें लगेंगी मैं जैसे जैसे यूज करते जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे और जैसे ही पानी में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने केलों को कट करके रखा है, इसको मैंने नमक के पानी में कट करके रखा है जिससे केले जो है वो काले नहीं पड़ते। अब इसको ऐड कर देना है और केलों को यहाँ पे 70% तक कुक कर लेना है। मुश्किल से 3 या 4 मिनट में ये केले जो है वो कुक हो जाएंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 10 से 15 पालक के पत्ते और इन पालक के पत्तों को सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लेना है। और यहाँ पे पालक हमारे 1 मिनट के लिए ब्लांच हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पालक को निकाल लिया है और केले को बॉईल होने देंगे जब तक कि वो 70% तक कुक नहीं हो जाते। और जब तक हमारे केले कुक हो रहे हैं चलिए मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। मसाले को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 4 काजू, 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कली लहसुन का लिया है मैंने यहाँ पे। और अभी इनको सुखाई ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से सूखे मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब इसमें 1 मुट्ठी के करीब धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। साथ में जो हमने ये पालक को ब्लांच करके रखा है वो ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच दही, 1 चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, तो यहाँ पे आप सरसों के तेल को छोड़ के कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इससे हमारा जो पेस्ट बनेगा वो बिल्कुल शाइनी टेक्सचर का बन के रेडी होगा। और साथ में ऐड कर देंगे 2 से 3 टुकड़े आइस के। इसको ऐड करने से हमारे पेस्ट का जो ग्रीन कलर है वो बरकरार रहेगा, पेस्ट बिल्कुल शानदार कलर का बन के रेडी होगा। तो अभी इसे ग्राइंड कर लेना है और ये यहाँ पे हमारा मसाला का पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का फाइन पेस्ट आपको बना के रेडी कर लेना है। तो अभी इस मसाले को साइड में रख देंगे और चलिए जो हमने केलों को बॉईल करने के लिए रखा था उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे केले जो है वो 70-80% कुक हो गए हैं। तो अभी गैस को मैं ऑफ कर दूंगी और अभी इन केलों को पानी से छान के निकाल लेना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे केलों को निकाल लिया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। सब्जी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करके और उसको गर्म कर लेना है। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें ऐड करेंगे 1 पिंच मेथी और 1 पिंच कलौंजी, 1 पिंच राई, 1/4 चम्मच जीरा और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच हींग। और जैसे ही मेथी में गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसमें ऐड कर देंगे ये बॉइल किए हुए केले। और अभी इन केलों को फ्राई कर लेना है जब तक कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, चारों तरफ से उलट पलट के इनको फ्राई कर लेना है। और पलटते समय आपको ध्यान रखना है केलों को हल्के हाथों से उलट पलट करना है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं केले जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। ये देखिए आप आवाज सुन पा रहे होंगे। तो अब इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे ये गोल गोल कटी हुई हरी मिर्च। ये जो हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ ये बिल्कुल तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, जो मोटी वाली हरी मिर्च आती है वही है। अगर आपके पास ये है तो ऐड करिए, नहीं तो अगर आपके पास यहाँ पे शिमला मिर्च है तो आप आधा शिमला मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब मटर और ये यहाँ पे फ्रोजन मटर है। अगर आपका मटर जो है वो कच्चा है तो जब आप केले बॉयल कर रहे थे उस समय भी मटर को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिससे केलों के साथ मटर भी कुक हो जाएगा। और अब मिर्च और मटर के साथ भी केले को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और साथ में ऐड कर देंगे बिल्कुल 1 पिंच हल्दी, क्योंकि हम बिना हल्दी के कोई भी खाना नहीं बनाते। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने 1 पिंच हल्दी नाम के लिए ऐड किया है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा हल्दी यूज कर देंगे तो ग्रेवी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे मटर और मिर्च को भी केले के साथ फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया है, यहाँ पे सारे पेस्ट को यूज कर लेना है। और इसी के साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब बटर। ये होममेड बटर है इसलिए यहाँ पे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। बटर आप जरूर ऐड करके देखिएगा, पालक और बटर का कॉम्बिनेशन काफी अमेजिंग लगता है। तो एक बार यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी इसको ढक देंगे जब तक कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन नहीं जाता और सारा ऑयल और बटर जब तक कि सेपरेट नहीं हो जाता तब तक इसको भून लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे ढक्कन लगा दे रही हूँ और बीच बीच में इसको उलट पलट के चला लेंगे जिससे सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए।
5 से 6 मिनट के लिए मैंने केलों को मसालों के साथ कुक कर लिया है। चलिए अभी चेक करते हैं। और ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, यानी हमारे मसाले जो है वो अच्छे से भुन गए हैं। तो अभी इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे लगभग 1 कप के करीब पानी। यहाँ पे मैंने मिक्सी के पॉट को ही धो के ले लिया है और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च है, धनिया की पत्ती। लास्ट में ऐड करने से बिल्कुल फ्रेश सा फ्लेवर आएगा। और साथ में ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम केले को बॉईल कर रहे थे उस समय भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नमक ऐड करना है। और अभी इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस से एक बार फिर से ढक्कन लगा देंगे, एक बार फिर से कुक कर लेंगे जब तक कि केले जो है वो सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता और मसाला जो है वो ऑयल सेपरेट नहीं करते, तब तक इनको कुक कर लेना है। 3 से 4 मिनट और लगेगा यहाँ पे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चलिए सब्जी को चेक करते हैं। और ये देखिए सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए केले यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से रखिएगा, क्योंकि अभी ये ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी जैसे ही ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे गैस को ऑफ करना है। चलिए फिर इस सब्जी को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे कच्चे केले की हरियाली सब्जी अब एंजॉय करने के लिए रेडी है। आप इसे सिंपल रोटी के साथ, नान, कुलचा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इवन ये अपने मेन कोर्स दाल चावल के साथ भी उतना ही अमेजिंग लगता है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके साथ जो छोटी सी घंटी आएगी आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।